की बड़ी छक्का मारा था भाई, से विकेट भी वैसी गई है। आउट है भाई, भाई सभी यही कह रहे हैं भाई, उमेर भाई आउट है, आउट है यार, आउट है बच्चा, बच्चा आउट है। आवाज क्यों जीत रहा है पाकिस्तान बेटा, ये तुम हर बार बोलती हो पाकिस्तान, फिर बाद में मूड लटक रहे होते हैं तुम्हारे। नहीं नहीं, पाकिस्तान इस बार ही जीतेगा इंशाल्लाह। सूर्या कुमार यादव और पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया यार, पाकिस्तान ओ भाई, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस 120 करने के बाद भी पाकिस्तान नहीं जीत पाया, दूर बैठे मो लग लाना था। इनको यहाँ पे बुलाओ, इनको नंगा करके इनको छितर मारो। काश कि मैं इंडिया में पैदा हो जाती, मुझे खुशी से मैं ये तो कह पाती कि वो जीतते हैं, कि मुझ पे लाना था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, जो दो पे $25-25 लेके उधर सेल्फी ले रहे हैं, खा रहे हैं, आज इन लोगों ने घास फड़वा दिया यार, हमारे जज्बातों के साथ खेला आज इन लोगों ने। ये लोगों से बोला नहीं जा रहा, 17 runs 4 balls, वाह, शाहिन शाह क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, स्ट्रॉन्ग अपील फ्रॉम द बॉलर बट द बॉल स्टॉप्स गोइंग डाउन द लेग साइड, आई थिंक सर। अबे यार तो भाई ये देखो, चेक करो, लोग यहाँ से उठने की तैयारियां करते हुए पूरी तरह, ये देखो लोग जा रहे हैं, मतलब जीता हुआ मैच हम हारे हैं, बेशरम। क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ, जीत रहे हैं, मोए मोए हो गया, मोए मोए हो गया। जीत के आप इतना गरीब हो कि आपने खाने की रात की बुकिंग करा ली हो, आपने सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली हो, फिर आप किस तरह हार सकते हैं? ये मैच हमारे हाथों में था, ऐसे बाय बाय। क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता यार, तुम पागल आदमी हो, कब से हर 20 घंटे का सफर करके आए हम। चाय पियो, कोई बात नहीं, समाप्त नहीं हो, चल सुन, दूसरे कंट्री के लिए अच्छा करता है, सबने मजा किया, एवरीवन एंजॉयड द गेम, आई डोंट थिंक सो नो वन एंजॉयड द गेम, बट गेम न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली, क्योंकि हल्का सा रूम मिला और फिर बाद में यहाँ पे विराट कोहली एफर्ट तो लगाई लेकिन 4 run रोक में हार गया भाई पाकिस्तान, काफी भागे लगभग 15-20 मीटर नहीं होना चाहिए था भाई, पाकिस्तान हार गया है, यहाँ देख सकते हो आवाम कैसे शायद पाकिस्तान, यार हम इंडिया के साथ थे दिल से, कितना इंडिया झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इंडिया के साथ जीते, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला आज, आप वो दुखी बंदे को दिखाओ जरा भाई, जरा दुखी आदमी को दिखाओ, आप किसकी वजह से मैच हार रहे हो, आप जरा प्लेयर का नाम बता दो किसकी वजह से हार रहे हो, मैं बता दूं, इफ्तिखार हिम्मत, ये इन दोनों को चाहिए था फास्ट खेले यार, ये इफ्तिखार क्या है बंदा, इफ्तिखार को निकाल दो यार टीम से, अब क्या निकालना ही पड़ेगा है भाई, किसकी वजह से मैच हार रहे, बैटिंग लाइन कोई समझ नहीं आ रहा, बस बस यार होता है,
बैटिंग लाइन है क्या चीज, आप क्या कर सकते हैं, किस उस पे लेके जा रहे हैं इफ्तिखार को, ये बताएं आप भाई। खैर हो गई, आप इतना स्लो खेल रहे हैं, बस हमारा टॉप इफ्तिखार इफ्तिखार हो गया। आप जल्दी से आपने जसप्रीत बुमराह को 1 मिलियन व्यूज लेकर आ जाओ। आपने जसप्रीत बुमराह को जोफ्रा आर्चर मिस्टर स्टार समझा हुआ यार, आप तो हमारी फीलिंगों से खेलते हो। 120 रन भी आपसे नहीं हो सके यार, तो नालत है आप पर यार। भाई इसी तरीके का माहौल होता है जब हारता है पाकिस्तान, जब इंडिया हारता है तो भाई इंडिया के टीवी टूटते हैं। लेकिन भाई ये चांस बार बार नहीं मिलते 120 वाले हैं। बुमराह बॉल हम पे रहम कर, कमॉन। नहीं भाई नहीं लग रही बाउंड्री, नहीं भाग सकते। 11 बॉल है वो बंदा फेस कर रहा है भाई, कुछ भी नहीं कर रहा यार। ठीक है पिच में मसला है, उछाल है पिच में, बाउंस हो रहा है, स्विंग हो रहा है, अबे भाई तू बॉल तो टच कर यार। मात वसीम गया माविया, गया यार, मैंने पहली वो देख के बता दिया। ओह गॉड यार, नहीं यार नहीं, ये क्या हुआ। 4 बॉल 17 रन, जीता हुआ मैच हार गए पाकिस्तान टीम को है ना। नहीं यार नहीं, हाँ खत्म मैच, खत्म मैच, टीम का काम भी नहीं मार सकता। क्या हो गया, पागल तो नहीं हो, गेम है यार, अच्छा तो खेला पाकिस्तान ने, पागल तो नहीं हो तुम, रो नहीं यार। हार्ट जीत तो होती रहती है, अच्छा खेला पाकिस्तान ने भी, जो बात है फर्स्ट इनिंग में अपना चौका हो गया देख लो, रोना धोना मच गया हमारे तो भाई घर में। असल में बात ये है कि भाई इतनी इन लोगों ने बॉलें जाया की, इतनी इन लोगों की दोस्ती है। शाहीन नसीम को भेज देते ना, उनको अपनी बॉलिंग याद आती, गलती बैट्समैनों की हुई हमारी, पिच विच वगैरह किसी का कुछ भी मसला नहीं था उसका, हुआ है हमारे ना बहुत बॉलेज आए कि इमाद ने और गंदी परफॉर्मेंस, 120 करने के बाद भी पाकिस्तान नहीं जीत पाया, दूर बैठे मो लख लाना ऐसी टीम के ऊपर सर। सर ख्वाजा सलाल अहमद, ख्वाजा सलाल अहमद, ख्वाजा से 5 नंबर, ये लानत 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 जनाब, हर बंदा जो है वो लानत भेज रहा है, हर बंदा जो है वो लानत भेज रहा है। सर क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस गंदी हार के ऊपर, हमें तो आदत हो गई इन्होंने जीतना कब है जी, आदत हो चुकी है हमें पाकिस्तानियों को हारने की। सर आप क्या कहेंगे, आपको मैंने कहा था मैं रोटी खिलाऊंगा, चले रोटी। सर क्या हार जीत तो टीम का हिस्सा है सर, ये कब से हारते हैं, एशिया कप से लेके अभी तक हार रहे हैं, एशिया कप से लेके हार जीत तो फिर होती है। बाप बेटे का मुकाबला था आज, पता लगना था कौन बाप है कौन बेटा। 10 रन 12 रन से हार रहे हैं सर, 120 कोई रन था यार, उनसे 120 भी हम क्या नहीं चेस कर पाएंगे, उनसे भी तो 120 हुआ है ना, तो सर चेस तो हम कर लेते ना, चेस नहीं हुआ तो क्या हुआ। सर क्या कहेंगे, इधर पाकिस्तानी टीम नहीं चलनी थी, इधर चलनी थी शुभ शुभ वाली सरकार, उनका दम चलना था इधर और कुछ नहीं चल। यार यार इंतहाई दिल टूटा है, इंतहाई दिल टूटा आज के मैच के ऊपर, कि भाई इतना छोटा टारगेट करके आप जो है वो चेज नहीं कर पाए, और आपने बता दिया कि बाप जो है वो वाकई जो है वो इंडिया है। अभी बाकी हम आपसे पूछते हैं कि भाई उनके क्या जज्बात है, वो क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे आज के मैच के ऊपर। यार इतनी एंड तक यार, यार जरा अब मैं इनको क्या कहूं यार, हम लोग 9 मई का इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, जब सारे लोग आउट, जब इंडिया की टीम आउट हुई, फिर हमारे फिर दिल में ख्याल आया कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बन गए हैं, लेकिन यार इन्होंने बैटिंग में पता नहीं क्या किया यार, मेरा सर दर्द हो रहा है, आंखों में है आंसू आ रहे थे यार। चले जी, हर बंदे का जो है वो दिल टूटा हुआ है, हर बंदे का दिल टूटा हुआ है कि भाई हमारे पाकिस्तान ने किया तो किया क्या, आखिर परफॉर्म क्या किया, बॉलिंग में परफॉर्म कर लिया तो बाकी जो है वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। सर इंतहाई घटिया हरकत, क्या कहेंगे सर आज के मैच के ऊपर। बस यार सर बहुत गंदा खेला, नाले तीन सर, अगर इस बैटमैन की जगह बॉलर को खिला रहे थे वो बेहतर था, अगर सिंघिया को देख लेने दो चुके कैसे मारा, हमारे में तो सिम को दो सारे के सारे बार डॉट किया, और इसकी जगह बॉलर को पहले खिला रहे था शायद मैच जीत जाता। सर आप क्या कहेंगे आज के मैच को। मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान टीम सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर नहीं बल्कि दुनिया से बाहर होना चाहिए, इन लोगों को क्रिकेट छोड़नी चाहिए बिल्कुल। सर जी लो जी, इनको क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए, इनको जो है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि मैच को लेकर।
बात कोई नहीं कर रहा, बात बात कोई नहीं कर रहा। क्या कहोगे आज का मैच? लड़ाई हो गई है। इन्होंने मैकडोनाल्ड ट्रंप से 500 रुपया लिया, 500 डॉलर लिया। सर आप क्या कहेंगे मैच तो बहुत, एक मिनट बात करने दो। ऐसे शोर से क्या होगा, हार तो गए। सर आप क्या कहेंगे? वैसे तो मैच जीतना चाहिए था क्योंकि ये आप मैच जीता हुआ हारे हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड मैं यही कहूंगा कि सिर्फ बाबर आजम को ब्लेम मत कीजिएगा, पूरी टीम खेल लिया, 11 लड़के खेले हैं, उन 10 को छोड़ के सिर्फ एक को मत पकड़िएगा। उन सब का भी उतना ही हिस्सा है जितनी बाबर की गलती थी, ठीक है, मानते हैं हम नहीं वैसा एग्जीक्यूट कर सके जैसा करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ बाबर आजम को मत पकड़िएगा। ये जो भी बैठे हुए हैं चैनलों पर, पूरी टीम को दबोचिएगा। हाँ, ये इफ्तिखार चाचू को चाहिए था कि फिनिश करता, अगर स्कोर कुछ भी नहीं था, 43 बालों पे 40 चाहिए था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मेरा ख्याल अंडर प्रेशर आ गए और ज्यादा बॉल्स डॉट। आप क्या कहेंगे आज का मैच? 8वें 9वें ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा था कि पाकिस्तान का वुमन टीम इसको भेज देते ना अमेरिका, तो वो जीत जाता, लेकिन ये नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर नहीं पाकिस्तान टीम, बल्कि उसको दुनिया से बाहर होना चाहिए। इस टीम को कोई हक नहीं है क्रिकेट खेलने का। नहीं तो पार्क में अलाउड है, मीडिया बानी है, टाइम खत्म हो गया है पार्क का। हाँ जी, आप जाए प्लीज बाहर ले जाएं, ये तो मैसेज ऐप हो गया। तो पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से हम मैच जीत सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से नाकाम रहे हैं ये लोग, और ये लास्ट कोई 25 साल से इनके हालात ऐसे ही क्रिकेट बैटिंग में है। प्लीज़ हम चाहते हैं कि बाबर आजम को टीम से बाहर निकाल दिया जाए और इफ्तिखार को भी टीम से बाहर निकाल दिया जाए। यंगस्टर खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, लेकिन उनको 50 मैच पहले जरूर। मुद्दा बाबर पे क्यों डाले, पूरी की पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है। नहीं नहीं नहीं, बाबर आजम की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि कप्तान की हैसियत से चल रहे होते हैं, लेकिन बॉलिंग में हमेशा पाकिस्तान एवरेज रहा है। इंडिया का जो प्रॉमिस था कि पाकिस्तान को हराएंगे इस आज के मैच में, तो उनका जो वादा था वो पूरा हो गया। लेकिन हमारी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा पैदा कर दी थी बॉलिंग वालों ने, लेकिन बैटिंग में हमेशा वो एज यूजल जो चल रहा है पिछले 25 साल से, आज भी वही इनके हालात है। प्लीज़ हम बाबर आजम को टीम से आउट कर दिया जाए। मैंने कभी उम्मीद नहीं लगाई इस टीम से, मैंने तो 2015 से इस टीम से उम्मीद लगाना छोड़ दी थी। तो क्या हल है, क्या करेगी जो पाकिस्तान टीम? इनका हल है, इनको यहाँ पे बुलाओ, इनको नंगा करके इनको छितर मारो, ये इनका हल है। हर बारी जलील कराते हैं, हर बारी यार हाथ है आजम को देखा कहाँ पे गया हुआ है। इंडिया वाले मजाक उड़ा रहे हैं पूरे पाकिस्तान, वही मजाक उड़ा है उनको चाहिए, उड़ाओ मजाक। बाबर आजम स्टेडियम से पता नहीं कोई 1500 मील दूर शॉपिंग करने गया हुआ है मैच से पहले। इनको ना जूती, यार छेड़ो, मेरी तो जूती खाने के लायक भी नहीं है ये, छोड़ो फिजूल में अपना टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा। यार हमने इतने इंतजाम किए यार, ये एक बड़ी होता, दो बड़ी होता यार, ये तो हर बड़ी हमें जलील करा के यार, हमेशा में जलील। ऊपर से जब इनकी परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस होती नहीं इनसे। एक तो वो जो हमने गेंडा टीम में रखा हुआ है वो गेंडे से परफॉर्मेंस होती नहीं, फिर जब गेंडे को कुछ बोलो तो लड़ने आए थे फैंस के साथ, ये कोई तरीका है? परफॉर्मेंस सही है नहीं और तू लड़ने आए थे। इतनी ऊपर है, ठीक है ना, बॉलिंग कहते हैं हमारी, बॉलिंग कहते हैं, बॉलिंग में भी वो आगे निकल गए हैं, बैटिंग में भी वो आगे निकल गए हैं, ठीक है ना। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना, यूएसए जैसी टीम से हम हार रहे हैं, ठीक है ना। 2 दिन हुए उन्हें क्रिकेट में आए हुए, हमारी टीम 100 साल पुरानी है, लेकिन हम भी नहीं कर रहे। तो कहाँ गई हमारी बॉलिंग लाइन जो दुनिया की नंबर वन बॉलिंग लाइन थी? कौन सी दुनिया की बॉलिंग नंबर वन थी? नसीम, आमिर, शदाब, इतने बड़े बॉलर हैं। बस ये प्राइवेट लीग में बॉलिंग है इनकी, जब पाकिस्तान के लिए खेलना होता है इनसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। पैसे इनको दो तो इनसे बॉलिंग होती है, लेकिन जब कौम के लिए खेलना होता है, मुल्क के लिए खेलना होता है, कुछ भी नहीं होता इनसे, ठीक है ना। कितनी उम्मीद थी आपको पाकिस्तान के जीतने की आज? जीरो परसेंट उम्मीद थी, ठीक है ना। उम्मीद लगानी नहीं, बाद में अफसोस ही होना ना। मैच देखा मैच छुट्टी लेके मैच देखा, जॉब से काम छोड़ के मैच देखा, अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए मैच देखते हैं हम, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों ने स्पेशल चुके ले गए यहाँ मैच वेखन चली, कौन मैंने जलील कर देना पेने गए वेखन गए से ऐसी। क्या फ्यूचर हमारी टीम का? कोई फ्यूचर नहीं है भाई, कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है, तो फ्यूचर कहाँ से होना है? रैंडमली टीम उठा के ये लोग इन कर देते हैं वर्ल्ड कप से पहले किसी। वो T20 पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होती है T20 पर, क्या है? अच्छा है, बार बार हारे ताकि बुखार उतरे कौम का। सही, हम अजीब चीजों में उलझे हुए लोग हैं। आपने पहला सवाल ये रखा है, वो खुदा का खौफ करो यार, लोगों के कड़ाके निकल गए हैं, लोगों का हशर हो गया है, लोग बचे मार के खुदकुशियां कर रहे हैं, बुरा हाल है।
फख्र कर रहे हो 16 रुपए की रोटी या 17 रुपए, खुदा का खौफ करो यार। तो ये टीवी में नहीं कहता 500 पाउंड का कि पाकिस्तान का मैच देखेंगे, पाकिस्तान मैच हार गया टीवी नहीं चाहिए, ये गई। आप सोच नहीं सकते पाकिस्तानी कितना दुख में इस टाइम, बर्बाद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, लोगों के रिमोट टूट गए, लोगों की टीवी टूट गए, लोगों ने अपना घर भेज दिया, लोगों ने कहा हमने पाकिस्तान मुल्क में रहना है, ऐसे मुल्क में रहने नहीं है जिस मुल्क में टीम जीत ही नहीं रही। आपको पता है हिटलर ने क्या किया था जब 5 दिनों का टेस्ट मैच था, हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, 5 दिनों का टेस्ट मैच था, ड्रॉ हो गया था, हिटलर ने सारे बंदे ठोक दिए थे। तुम्हारी नियतें हार गई है, तुम्हारी इंटेंट, तुम्हारी एग्रेशन, आज पाकिस्तान के लिए रन मान लेते, रिजवान चंपेराती फेल, बाबर फेल, बाबर पूरी टीम दिल पर बिखर गई, भेड़ दिया उन्होंने, तुम 6 महीने से तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ था, ये कर दे के वो कर दे, घंटा करोगे आगे आने वाले मैचेस में तुम्हारे लिए कुछ पानी नहीं है। अरे मुझे आने दे मौसम, जिल्लत कब तक उठाएगा आदमी, इनके नामों पे जो बात कर रहे हैं, किसके बच्चे पाकिस्तान से खेल रहे हैं भाई, मैं कहता हूं इनको भी ठोक दो, खबर बात कर, ठोक दो इनको भाई, इन्होंने नहीं जितवाना मैच, तुम्हारे दिलों के साथ क्यों खेल रहे हैं। अब इंडिया के प्लेयर देखो अमेरिका जाके वो घूम नहीं रहे, अमेरिका जाके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारी वहां यार मैं इतने तप चढ़ रही है, आज वीडियो देखी है, मैं इसको आगे बता रहा था, उमर गुल का भतीजा है बास अफरीदी, वो बाबा जी लाइव वीडियो दिखा रहा है कि हम ये इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, वो उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये काउबॉय वाली टोपियां पहन के यूएस में इंजॉय कर रहे हैं। यार $25-25 लेके तस्वीरें खिंचवा रहे हो क्या, इतना कौम का इतना बजट नहीं है पाकिस्तानी, पता लगता है 10 अरब रुपया साल में इनको लग गया है, और ये लोग वहां पे $25-25 पे बिक रहे हैं, मैं तो इन चीजों पे हैरान हूं। मैं दुआ मांगता हूं 2026 का जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान खेले ना, अल्लाह करे बाहर हो जाए, खेले क्या उनको नाम ही ना ले लिस्ट में। यार आप यूएसए से हार गए हो, और यूएसए से हारने के बाद आपको पता है पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, ये सारी बीच की प्रोपेगेंडा है, लोग ये बना रहे हैं। अब आपको बीच की तरक्की बात बताता हूँ, सब झूठ है, अमेरिका ने कोई पैसा नहीं खिलाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान टीम की कैपेसिटी इतनी है, ये इतने जोगे इनको मैं पकाना दूं, पकाना किधर है, इनको मैं पकाना पकड़ाऊं, इनके हाथ में गुब्बारा हवा वाला, ये उड़ जाए अल्लाह करे, इनसे कुछ भी नहीं होना। इंडिया की टीम आप देखो अमेरिका जाके, विराट कोहली का आप देखो, विराट कोहली का एक स्टेटस ही नजर आएगा, उसने बाहर खाना खाया भाई, वो अपने डाइट कीटो डाइट पे मशहूर हुआ है। उनके पास वर्ल्ड क्लास बैटिंग ऑर्डर है, उनके बॉलर्स जो है कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं हमें, और वो परफॉर्म और फिट हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स देखते हैं वो पार्टीज से जा रहे हैं, पार्टीज को एंजॉय कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, प्रैक्टिस तो उनकी है ही नहीं है। छोटा बच्चा एक होता है उसको आप झूला झुलाने लेके जाते हो, बड़ा हैप्पी होता है, इनका वो हाल है, ये कोठा पिंडी टप्पे, ये इनको अमेरिका किसने भेज दिया, मैं तो ये हैरान हूँ, अवाम के पैसे हमारे पैसे, हमने जो टैक्स भरे हैं, मैं अलहमदुल्ला फाइलर हूँ, मेरे टैक्स भी वहां भी जाके घूम रहे हैं लोग, पैसा तो मेरा बर्बाद हो रहा है ना, ऊपर से जीत भी नहीं रहे यार, ये असल दुख है। जिन टीम्स के खिलाफ ये खेलते हुए आए, इनको बॉलिंग स्ट्रेंथ इनसे कम मिली, इनसे कम मिली, हर आदमी अपने 50, हर आदमी अपने 60, एवरेजेस चेक करो, इनकी बॉलिंग चेक करो, आपको अंदाजा हो जाएगा। उस वक्त भी मैं चिल्ला रहा था कि भैया ये सरकारी रन हैं, ये वो रन हैं, टीम में रहने वाले रन हैं, ये पाकिस्तान के लिए रन नहीं है। चौड़े इतने गुरूर, इतना प्राउड, इतना करते बगैर परफॉर्मेंस पे, हमने तो फाइनल खेला। मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ इस बार तारीख रकम करेगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया से जीतेगा। पाकिस्तान के पास पूरी पोटेंशियल है, बैटिंग बॉलिंग हर चीज में पाकिस्तान पूरा है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। ये एक राज है, पाकिस्तान अगर पहले जीत जाता तो इंडिया वालों को पता चल जाना था कि हमने मैच पाकिस्तान से जीतना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये एक राज रखा गया है, अब पाकिस्तान 9 जून को इंडिया को दिखाएगा हम क्या चीज है। अच्छा। पहले भी काफी दफा दिखा चुका है, पहले 2017 में अमर को भूल गए। अच्छा। अमर को भूल गए, फिर उसके बाद नसीम शाह को वो भूल गए जो रोहित शर्मा और कोहली की विकेटें उड़ाई थी। ठीक है, अब ये देखना कि रोहित शर्मा और कोहली की जो विकेटें उड़ाएगा मोहम्मद आमिर ही उड़ाएगा, और उसके बाद शाहीन फिर शाहीन ही होगा, उसके बाद नसीम शाह को खुद ही देखते आप कैसी बॉलिंग करता है। इंशाल्लाह ताला 9 जून हम पाकिस्तानी सच्चे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी के साथ ही रहेंगे, मैच ना जीते कोई मसला नहीं, हम अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत जहरीले टाइप हैं। अच्छा। और वो इंशाल्लाह जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। सर ने कहा है कि हमारे प्लेयर बहुत जहरीले हैं, 9 जून को उनके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने भी बल्ले फड़े ने, कोई गट्टे नहीं फड़े उन्होंने हत्थां दे विच, और अग ना भरिया हुई बॉलां सुटणगे इंशाल्लाह ताला, और इंडिया नूं लोहे दे चने चबावांगे। चाचू आते ही ना ना, इससे ज्यादा गंदी बैटिंग नहीं हो सकती, इससे ज्यादा गंदी और घटिया बैटिंग नहीं हो
हो सकती, मतलब अब बॉल बहुत कम रहेगी, अब प्लीज पांच बॉलों पे कितने आप ये जाएं शीशे में अपने आप को देखें और मैं तो चाहता हूँ खुद ही कह देंगे हम दोनों खेल खेले में, वो सही बात है आपकी कि बंदा घोड़े से गिरे गिर जाता है yeah. अपनी नजरों में जब गिर जाता है ना फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं, मुझे लगता है कि ये जो हार है पहले यूएसए से इंग्लैंड से और दो तीन आयरलैंड से भी आ रहे फिर यहाँ पे आके ये जो आज जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था, अब मुझे लगता है कि टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के भी लाले पड़ जाएंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पे क्या करना होगा, सिस्टम संवारना होगा, नए लड़के ही लाने होंगे, सॉल्यूशन नहीं है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये सिंपल फैक्ट है, वी डोंट हैव अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, और आपको नई टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है आप हारोगे, हार तो वैसे ही रहे, आप हारोगे उनको आप मोल्ड करोगे, माइंडसेट उनका क्या है, ये छोटी छोटी नाराजगी जो है ना, मैंने बात करनी, इसने ये कह दिया, जाओ कर बैठो जाते, ठीक ठाक पैसा मिल रहा है यार इनको, ए वालों को 60-65 लाख महीने का मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द मैच फीस, दे शुड बी थैंकफुल, हार जीत गेम का हिस्सा है, मुझे पता है आपको पता है हम खेले हुए हैं, मगर ऐसे मुझे याद है वसीम भाई जब 94 में पाकिस्तान मैच हारा था आप इंजर्ड जी, तो तब भी लोग इतनी अपेक्षा करते थे कि यार वसीम ने खेला यार इसलिए हार गए, जान के नहीं खेला, अरे हां नहीं चलो वो इल्जाम लगे तो मतलब तब बैकलैश होता या ठीक है कि नहीं, तो अब वैसा कुछ तो नहीं होगा कि अब तो सोशल मीडिया भाजी अब तो ठीक ठाक बैकलैश, पर अब लोग बदतमीजी भी करते हैं, बदतमीजी बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, आप क्रिटिसाइज करो आप डाउन हो, जैसे मैंने भी क्रिटिसाइज, खिलाड़ी है जानबूझ के तो नहीं हार सकता, मगर अब हार जीत का भी एक तरीका होता है ना यार, अगर ठीक है क्लोज मैच होता है, जिल्लत जो जिल्लत है, 170 चेज कर रहे हो तो ठीक है, दो आखिरी ओवर में नहीं हो पाया, 120 रन 80 पे आप हो, आपसे ना चौका लग रहा है ना सिंगल हो रही है, दुखे दुखे ले लेके यहाँ पे जी प्लान होगा जी, दुखे कर देने हमने पूरी बैटिंग करनी है, बाबर को अच्छा बॉल हो गया, ब्रिलियंट कैच हो गया, दुनिया का बेहतरीन बॉलर से नंबर वन बॉलर से बुमराह से, बट बाकियों को तो थोड़ा मिल्क तो करो, एक और सवाल बाबर जमान ओपन करते हैं फकर नंबर चार पे, आप उन्हें नंबर चार पे देखेंगे या T20 फॉर्मेट में ऊपर देखना चाहते हैं, मैं फकर जमान को सबसे पहले तो ये एडवाइस दूंगा कि आपको सिचुएशन मैं नहीं सिखा सकता, आपको बाकी नहीं सिखा सकते, आपको कप्तान